अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू क्रिएटिव कजिन्स। और आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल। रमज़ान के लिए तीन डिफरेंट तरह के जो है ड्रिंक्स तैयार करूँगी, उनको मिल्क शेक भी कह लें और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स भी आप कह सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है हमें चाहिए। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ जो हमें चीज़ें चाहिए तीन डिफरेंट जो है ड्रिंक तैयार करने के लिए। एक तैयार करूँगी मैं रूह अफ़ज़ा से और एक ड्रिंक जो है वो कोकोनट से तैयार होगी और जो तीसरी नंबर थ्री जो है वो मैंगो से तैयार होगी। सो यहाँ पे जो है मुझे मैंगो का सीज़न तो बस आने ही वाला है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो है बड़ी साइज़ के मैंगो नहीं मिले और जो है वो फीके हैं अभी तक, उनमें इतनी मिठास नहीं आई। सो इसलिए सबसे पहले जो है मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ये सारी हमें चीज़ें चाहिए वो तीनों ड्रिंक्स तैयार करने के लिए। और सबसे पहले जो है जो मैन है जो तीनों ड्रिंक्स में मैं डालूंगी वो है साबुनदाना। इस तरह का बारीक साबुनदाना आप इस्तेमाल करें या मोटा, कोई भी अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक साबुनदाना। इसको मैं पानी में सोक करके रखूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको बॉयल करूँगी और फिर मैं इसको वॉश करके और फिर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। वो मैं आपको आगे बताऊँगी हमें कैसे करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है जेलीज। जेलीज आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये रेडीमेड जेलीज ली हैं। और ये मैंगो जो है इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट के टॉपिंग के लिए और उसके अंदर डालने के लिए मैंने रखा है मैंगो साइड पे। और ये मैंने लिया है मैंगो, इसको बस छीन लिया है। अब इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के अच्छा सा दूध डाल के इसका ड्रिंक बना लेंगे, जिस तरह हम मैंगो शेक बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है ये कोकोनट, इट्स लाइक कोकोनट जेली, इस तरह की मिलती है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। और अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑल पर्स मिल्क पैक, जामिशरी कोकोनट मिल्क, और ये जी है हमारा ट्रेडिशनल यू नो चीनी पत्ती वाला डब्बा जो अक्सर हर पाकिस्तानी घर में मौजूद होगा। ये बहुत ही हमारा स्पेशल डब्बा है, हम जहाँ जाते हैं पाकिस्तानी इसको लाजमी अपने घर में रखते हैं। सो ये चीनी इसमें जाएगी और दैट्स ऑल। ये हमें चीज़ें चाहिए जिसके लिए हमें जिसे हम ड्रिंक तैयार करेंगे। सो सबसे पहले जो है साबुनदाना में पानी में जो है भिगो दूंगी, उसके बाद हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। तब तक ये भी है अच्छा सा, जब हम इसको गलाएंगे तो उसको टाइम नहीं लगेगा। सो ये मैं थोड़ा सा डाल दी इसमें इतना काफ़ी है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो अब मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि ये बाद में जो है आप इट डिपेंड्स ऑन आप मोटा ले रहे हैं पतला ले रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बाद में फूल जाएगा। सो इस वजह से वो आप अपना अंदाजे से जो है उसको इस्तेमाल करें। अब मैं इसको पानी डाल के इसमें और अच्छी तरह से इसको 10-15 मिनट, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको तकरीबन आधा घंटा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको 10-15 मिनट के लिए तकरीबन रखूँगी। और अब इसको रख देते हैं, अब इसके साथ हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, अपना मैंगो मिल्क शेक तैयार कर लेंगे। ओके जी, अब मैंगो को जो है मैंने गुठलियाँ निकाल के इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। चीनी जो है वो अपने हिसाब से ऐड करें, अब मेरा भी रोज़ा है तो अब पता नहीं कि इसमें कितनी जाएगी या कितनी जानी चाहिए, लेकिन आप हर चीज़ अंदाजे से करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में जो है यही एक्चुअली सबसे यू नो बरकत वाली बात होती है कि हम सारी चीज़ें तैयार करते हैं वो भी रोज़ा रख के, कुछ भी चखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब हम इफ्तारी में खाने बैठेंगे तो वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। अगर आपने मेरी कढ़ाई गोश्त की रेसिपी देखी है तो ये भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और चीनी डालने के बाद अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध। पहले मैं थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको जो है मैंने ब्लेंड करना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से इसको घुमा लेंगे, इसको चक्कर दे लेंगे। ओके जी, अब आपने देखा था मैंने इसमें सिर्फ चीनी डाली थी, अब मैं इसमें दूध डालूंगी। ठीक है, और इसको जैसे मैंगो मिल्क शेक बनाना है बेसिकली इसको आपने वैसे तैयार करना है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ब्लेंड कर लें, जो भी कह लें। तो ये देखें जी, एक ड्रिंक हमने तैयार कर लिया है वो है मैंगो का। और मैंगो जो है अब ये मैं इसको साइड पे रख दूंगी। ठीक है जी, ओके जी, तो यहाँ पे जो है मैंने सॉस पैन में थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्टोव ऑन कर दूंगी और जब इसको बॉयल आ जाएगा तब साबुनदाना जो मैंने यहाँ पे भिगो के रखा है तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो है फिर इसके पानी के अंदर डाल दूंगी। ठीक
ठीक है जी। मैं यहाँ पे पतला साबुन दाना इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब पानी को बॉयल आएगा तो फिर हम जो है साबुन दाना इसमें डालेंगे, और साबुन दाना को जो है आप जब भिगो के रखें तो ये इसमें जो है काफ़ी ये गंद वगैरह भी निकलता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको 3 से 4 दफ़ा या कि अच्छी तरह इसको काफ़ी दफ़ा धो लें, ताकि जब तक इसका पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है जी, पानी में जो है बॉयल हल्का हल्का आ चुका है। अब यहाँ पे जो साबुन दाना मैंने सोक किया था, साबुन दाना में वो डाल दूंगी। ठीक है जी, इस तरह करके और चमचा चला लें। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसी तरह हमने साबुन दाना सिर्फ बॉईल करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप सो करके रखें, नहीं तो आप इस तरह भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह ये होगा कि साबुन दाने को गलने में काफी टाइम लगेगा। अगर आपने इसको पहले हल्का सा सो करके रखा हुआ होगा इवन फॉर हाफ एन आवर, तो ये काफी जल्दी जो है गलता, ये काफी जल्दी है। अब ये गलने का कैसे पता चलेगा, ये बिल्कुल ये जो व्हाइट पार्ट है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके जी, तो एट दिस स्टेज जो है हमने यहाँ पे चूल्हा बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चटचटियान हो चुका है, मतलब कि सब साफ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, और अब जो है मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी, और ऊपर से जो है ठंडा पानी खोल के हम इसके ऊपर रखेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ओके जी, तो अब यहाँ पे जो है मैं इसको स्ट्रेन कर लूंगी, पानी खोल ले। मैंने फॉर सेफ्टी के लिए दो दो स्पूनेट रखी है, वैसे ये वाली जो है वो इनफ है। इससे मुझे ये था कि क्योंकि काफ़ी बारीक है तो ये ना हो कि जो साबुन दाना है वो सारा बाहर निकल जाए, इस वजह से फॉर सेफ्टी मैं ये भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जस्ट सेकेंड, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं साथ में ये खोलूँगी और थोड़ा थोड़ा साबुन दाना हम इस तरह करके डालेंगे, और इसकी ये जो सारी स्टिकीनेस होगी, ठीक है, ये सब हमने निकाल देंगे। हमें सिर्फ दानेदार जो है वो साबुन दाना चाहिए। ये सारी जो इसकी स्टिकीनेस है ये निकल जाएगी, चम्मच की मदद से भी आप कर सकते हैं आस्ता आस्ता। और जब आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तो फिर ये आपको एक एक दाना नज़र आ जाएगा। अगर आपने इसको ओवर जो है वो बॉईल कर लिया तो ये सारा, क्योंकि ये काफ़ी बारीक है तो ये सारा जो है बिल्कुल मैशी सा हो जाएगा, मशी सा। तो अच्छी तरह से हम देखेंगे, देखें इसकी सारा जो पानी है वो निकाल देंगे, हमें सिर्फ साबुन दाना चाहिए। और स्लोली स्लोली हम इसके ऊपर और ऐड करते जाएंगे। देखिए ये काफ़ी है, इसमें ये नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसमें जो है साबुन दाना काफ़ी निकलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डालूंगी और इसके ऊपर पानी डालते जाएं ताकि जो साबुन दाना है वो काफ़ी यू नो क्लियर हो जाए और आपको नज़र आ जाए। इस तरह हल्के हाथों से घुमा के तो पानी हम फेंक देंगे, हमें नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, इसको क्लियर कर लूँगी, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए वॉश करूँगी जब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, जो है चमचा इस तरह हल्का हल्का चलाते हुए मैंने इसको इस तरह कंटिन्यू वॉश कर लिया था। यहाँ से देखें पानी खोल के फिर हल्का हल्का चमचा चला के इसकी जो सारा वो स्टिकीनेस है हमने वो ख़त्म करनी थी, वो हमने कर ली है। अब ये काम हो चुका है, अब हम इसको जो ये जो पानी है हम इसको साबुनदाने को यही रहने देंगे, और अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तब तक इसके जो जो भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ओके जी, अब हमने तैयार करना है कोकोनट का ड्रिंक जो मैंने आपको बताया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। ठीक है, उसमें मैं डाल दूंगी दूध, डाल दूंगी दूध में ओटपर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो है मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे, और फिर मैं आपको बता दूँगी आगे क्या करना है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि दूध में जो है काफ़ी अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है हसबे ज़रूरत इसमें चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है जी, बिल्कुल अपने हिसाब से चीनी ऐड करें, जैसे कि मैं अंदाजे से चीनी ऐड कर रही हूँ आप भी अंदाजे से करें। ठीक है, और अगर चीनी कम हो जाए, ड्रिंक आपने तैयार कर लिया है तो चीनी कम हो गई है, तो आप एट दिस स्टेज जब उसमें चीनी नहीं डाल सकते तो आप जो है कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे चीनी डाल के मैं बस इसको मिक्स कर लूँगी, हमने बस चीनी को करना है मेल्ट। ठीक है, अब मैंने स्टोव बंद कर दी है, और क्योंकि ये काफ़ी दूध गर्म है तो चीनी जो मैंने डाली है वो बिल्कुल इसी में मेल्ट हो जाएगी। और बंद करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि अब यहाँ पे मैंने कोकोनट मिल्क रखा है, इसको अच्छी तरह से खोल लेंगे हम। ठीक है जी, कोकोनट मिल्क ये वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और अब मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, ये मैंने हाफ़ ऐड किया है इसमें। ठीक है, देखिए हाफ हो गया, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
ये ऐड करने का मकसद ये है कि हमने इसको कोकोनट का टेस्ट देना है. अगर ये आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और बाकी बचा लेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसमें. जो टेस्ट है वो फिर भी दूध का ही आएगा, कोकोनट का फ्लेवर नहीं आएगा. तो हम बस फ्लेवर देने के लिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी. तो इसमें जो है आपने कोई कंजूसी नहीं करनी. आप अगर आपने वैसे रमजान के बाद अगर आप कहीं बनाए तो आप ओबियसली चख सकते हैं कि ये इसमें फ्लेवर आ रहा है कि नहीं. सो मुझे अंदाज़ा है कि इसमें इतना डालेंगे तो इतना फ्लेवर आएगा. तो इतना जो है वो इनफ है क्योंकि मैंने दूध भी जो है वो कम लिया है. सो इस वजह से अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी. ओके जी, अब हमने तैयार कर लेना है मैंगो का जो हमने ड्रिंक, ठीक है जी, तैयार करना है. साबुनदाने का वो तैयार कर लेंगे. कोई भी किसी भी तरह की आप लेडिंग स्टेप जो है आगे पीछे ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है. मैं यहाँ पर पहले इस तरह मैंगो डाल दूँगी और इसी के साथ ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो स्किप कर लें. मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये भी डाल दूँगी, ठीक है जी. ओके जी, अब यहाँ पे जितना भी साबुनदाना बचा है मैं वो इसमें डाल दूँगी, ठीक है जी, इस तरह करके. तो ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंट तरह का बन जाता है, बहुत ही मज़ा आता है इसको यू नो पीने में. और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी मैंगो का ये जितना भी हमने मिल्क शेक तैयार किया था ये मैं डाल दूँगी. सबसे पहले अब मैं इसमें डालूंगी रूह अफ़ज़ा क्योंकि हमने इसको जो है मिक्स करना है. इसमें मैं चीनी नहीं डाल रही, ठीक है जी, तो क्योंकि ये खुद में इतना मीठा होता है सो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें. और इसी के साथ यहाँ पे मैं ये बहुत ही ठंडा बर्फ ठंडा दूध है मैं वो डाल दूँगी. थोड़ा सा डाल के पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं. और आपको डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपको ये कितना मीठा पसंद है, आप उतना डाल दें. अच्छा से मिक्स कर लें जी, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया. और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद बाकी का भी मैं इसमें डाल दूंगी. देखिए कलर जो है फिर इसका लाइट हो जाएगा, पहले काफ़ी डार्क लग रहा था, इतना सा मैं बना लूँगी, ठीक है. अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें. रूह अफ़ज़ा तो वैसे भी नॉर्मली इफ्तारी में हम सब पीते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग सा तरीका है और इसको पीने में भी काफ़ी मज़ा आता है. या इफ्तारी के बाद पी लें या वैसे भी अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बेस्ट है, ठीक है जी. अब ये करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो साबुनदाना जो है हमने लिया था, अच्छा इसको जो है अब इस तरह रखेंगे. देखेंगे इस तरह हो गया है, ठीक है, ये देखें. सो अब हम इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे उससे पहले एक बार फिर इसको पानी से जो है वॉश कर लेंगे. ओके जी, वॉश करने के बाद ये जो है फिर से पहले जैसा हो चुका है इस तरह सा, ठीक है, इस तरह का. अब हम ये जो है थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे. ये देखें, तीन ड्रिंक बनानी है तो थोड़ा सा बचा के भी रखना है मुझे. और इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे. तो ये काफ़ी थोड़ा डिफरेंस है और काफ़ी मज़े का बनता है, ठीक है जी. अब इसमें मैं डाल दूँगी जेलीज़ आप चाहें तो और छोटी कर सकते हैं. चलिए थोड़ी थोड़ी छोटी कर लेंगे हम भी, ठीक है जी. हम इसमें थोड़ी सी जेलीज़ डाल देंगे. मैं ज़्यादातर इसमें रेड जेली पसंद करूँगी, ये रेड है लेकिन पिंक लग रही है शायद, ठीक है. और तो ऑरेंज और एक ये. ओके जी, हमारा जो है बिल्कुल सिंपल सा मज़ेदार सा साबुनदाने का ड्रिंक तैयार हो गया है. इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, मुझे तो अभी से प्यास लग गई. एंड इट्स रेडी टू गो. बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआ में याद रखें और अपने फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें. और साबुनदाना डालने के बाद हमने यहाँ पे ऐड करनी है जेलीज. इसी के साथ मैं यहाँ पे ये कोकोनट, ये इसको ये इस तरह ही होती है कोकोनट जेली, मैं इसको उगाऊंगी, ठीक है जी. ये ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है जी. अब यहाँ पे जो कोकोनट का जो दूध था वो हमने फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था, अब मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें. ठीक है जी, जस्ट लाइक दैट हमने इसको मिक्स कर लेना है. सो ये देखें हमारा
बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ्रेशिंग कोकोनट का जो ड्रिंक है वो तैयार है।